Hello guys, good morning. Welcome to My our name is vlog. Priyank, his name is Fennel. So, good morning. Hi. Hi. Good morning. हेलो हेलो. सी यू पागल हो मेरी गए रजाई छीन ली इसने लेट्स कम रजाई. तो दीदी आज नहीं आएंगी सो हम लोग उठ गए हैं और हम लोग आज करेंगे सारा घर का काम सो लेट्स स्टार्ट हम लोग शेयर अंधेरा करेंगे। है. हाँ तो रोशनी हो जाएगी जब कर्टेन हटेंगे तो। गाइस गुड मॉर्निंग, आज पता नहीं देखते हैं कितनी ठंड है। ओ माय गॉड, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग बोलोगे इतना व्हाट. जबरदस्त कोहरा है यार, कुछ भी नहीं दिखता। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मिक्स वेज, दाल और चावल. मेरे पास पड़ी है गोभी, गाजर, आई थिंक 3 गाजर विल बी सफिशियंट. एंड देन वी हैव सम आलू, प्याज, वी हैव बीन्स आल्सो. बीन्स ये देखो आज सफाई में लगे हुए जा रहा हूँ. सालों साल में कभी एक दिन सफाई करने का इन्हें मौका क्या मिल जाता है, पूरा एटीट्यूड दिखा देते हैं. बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा है और अब मैं जा रहा हूँ सब्जी छौंकने के लिए. सो मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताऊंगा. मेरे हाथ की सब्जी बहुत अच्छी बनती है ऐसा मुझे लगता है. पहले तुम्हें कैसा लगता है? अच्छी सर पे डंडा हो तो हर कोई ऐसे ही बोलेगा अच्छी बनाते हो. जयूट नीचे तो आओ. गाइस हम ना आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये कैसे बनाते हैं सब्जी. तो इसलिए मैंने फैन को बोला है कि ये कैमरा पकड़ लो और साथ साथ जॉय के चावल भी मैं चढ़ा देता हूँ. तुमने सबसे पहले तेल डाला। हाँ अभी और थोड़ा तेल डालूंगा. हटो जॉय, वो तेल का बड़ा वाला कैन का रखा है. ये लो थोड़ा सा और तेल डालूंगा. इसके लिए वो लानी पड़ेगी एक ना, वैसे हमारे पास है बहुत है. सो गाइस सबसे पहले इसके अंदर तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे और बाकी का बचा हुआ तेल अपने सर में लगा लेंगे. तो पहले ये तो बताओ कि बाजार क्या है। मैं मिक्स वेज की सब्जी बना रहा हूँ. ये मेरी सारी सब्जियां कटी हुई हैं. इस सब्जियों को मैं एक बार अब इसके अंदर छान लूंगा. मैंने थोड़ी देर धो के भिगो दी थी और अब ये थोड़ी देर इसको मैं झरने के लिए रख दूंगा ताकि इसका पानी निकल जाए. अब इतने मेरा जैसे ये तेल गर्म होगा मैं उसके अंदर प्याज डालूंगा. और हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया. ओके सो गाइस इसके अंदर अपन डालेंगे प्याज और हरी मिर्च. मैं दोनों एक साथ ही डाल देता हूँ. पहले एक बार तेल गर्म हो जाने दो और मैं यहाँ से अपनी निकालता हूँ मसालदानी. हटो जायू, जिसके अंदर ये मेरा नमक, सब्जी मसाला, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा. जीरा थोड़ा मिक्स हो गया है बट ये जीरा अपन डालने वाले हैं. एक बार थोड़ा तेल धुआं निकाल जाए. मैं एग्जॉस्ट चला देता हूँ. और इसमें प्लेट रख देता हूँ जो जल्दी बन जाएगा. चावल खाओगे कि पराठे बनाओ उसके साथ? ये सब्जी तो सूखी बनेगी ना. जीरा डाल दिया, जीरा डालने के तुरंत बाद में डालूंगा इसके अंदर प्याज. वैसे गाइस मैं लोहे की कढ़ाई में बनाना पसंद करता हूँ लेकिन अभी लोहे की कढ़ाई धुलने में पड़ी है और दीदी नहीं आई है तो मैं बाद में धोऊंगा. इसलिए मैं आज सिल्वर की कढ़ाई में बना रहा हूँ. तो प्याज जब जब तक सुनहरी नहीं हो जाती जब तक मैं इसको फ्राई करने वाला हूँ. गैस हमने मीडियम पे ही रखी हुई है. मीनवाइल फैनी पोछे का काम कर लेता है, मैं फैनी की वीडियो बनाता हूँ. और मेरे गाइस एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारा ये क्यूट सा लिटिल सा रोबोटिक सा क्या है, डस्टबिन है. तो जो भी हम अभी किचन में सब्जी काटते हैं तो हम यहाँ रख देते हैं, किसी को लगता भी नहीं है डस्टबिन है. ये भी जैसे किसी को लगता नहीं है डस्टबिन है. प्याज होने कह रहा हूँ, सॉरी प्याज भूल गई है. तो मैं बाकी जितनी भी मेरी सब्जियां कटी हुई है मैं सब डाल दूंगा इसके अंदर. डालने के बाद मैं एक बार इसको मिक्स करूंगा. अभी मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डाला है, अब मैं मसाला डालूंगा. पहले ये सब्जी सारी मिक्स हो जाए. ये देखो ये आलू कटा ही नहीं है, मेरे को चक्कू चाहिए. ऐसे ग्लिच हो जाते हैं गाइस, क्योंकि
वीडियो में नहीं आने चाहिए बट आ गए हैं, कोई नहीं। मेरे को कपड़ा भी चाहिए, कपड़ा कहाँ रखा है? सारे कपड़े कहाँ रखे? अच्छा हाँ, कल मैंने धो के गाइस उठाए थे तो वही होंगे। अब ये सारी चाय तो हम ये कुकर में भी बना सकते हैं, बट कढ़ाई की सब्जी का स्वाद ही अलग होता है यार, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ। सो अभी ये सब सब्जियाँ ऐसे मैं मिक्स कर ले रहा हूँ, उसके बाद में सारे मसाले इसके अंदर डालूंगा, ताकि क्या होगा सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर धीरे 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 जब सीमाच पे पकेगी तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और पता है ये जो सब्जी मसाला है हमारा, ये बहुत सही है, इससे इतना एनहेंस हो जाता है ना टेस्ट। तो सबसे पहले मैं डालूंगा हल्दी, हल्दी के बाद मैं हल्की सी लाल मिर्च डालूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने हरी मिर्च डाल ली है। मैं डालूंगा सब्जी मसाला, सब्जी मसाला मैं 2 चम्मच डालने वाला हूँ इसके अंदर। फिर अपन डालेंगे धनिया 1 चम्मच, और डालेंगे नमक 1 चम्मच। नमक एक्चुअली सेंधा है तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, आप मतलब बेसिकली अच्छा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। तो इधर अब ये मेरी सब्जी बनेगी, इधर मेरे जॉय के चावल हो रहे हैं। फिर अब इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, जस्ट मैं इसे मिक्स करके रख दे रहा हूँ। तो फिर मैं और फैनल मिलकर घर की सफाई कर लेंगे। बेसिकली फैनल अगर पोछा लगाएगा तो मैं ऊपर का सारा काम करूंगा, बेडशीट चेंज करना, वॉशिंग मशीन लगाना, ये सब काम मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है अराउंड 12, फैनल का ऑफिस है जल्दी, और उसको जाना भी होता है, मेरे को आज घर से ही काम करना है। सो ये वाली चीज है, इस चीज का मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, बट थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि फैन के बगैर मन नहीं लगता, एंटरटेनमेंट के साधन है ये मेरे। तो गाइस देखो ये सब्जी पूरी मिक्स हो गई है अच्छे से, बट हमें ना ये देखो ये जॉय के चावल उबल रहे हैं। हमें ना एक काम करना होगा कि बीच बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं इसको रख देता हूँ, बीच बीच में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेमी कर रहा हूँ, सेमी हो गई सर। अभी तुम्हारे पास कितना घंटा? 1 घंटा तो है ना पहले? हाँ, तो 1 घंटे में तो अच्छे से बन जाएगी, इतने जो है कि चावल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सिम कर देते हैं, ठीक है। अब फटाफट फटाफट घर का काम कर लेते हैं, ठीक है गाइस। आई होप तुम मतलब आप लोगों को ये सब्जी अच्छी लगी हो, और ट्राई करो, बहुत टेस्टी बनती है, सब्जी मसाला खरीद लो, अमेजिंग टेस्ट आता है। गाइस मैं लगा रहा हूँ आटा, तो हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, हम चावल नहीं बना रहे, हम पराठे खा रहे हैं, और लंच में ये रोटी ले जाएगा, बिकॉज उसको चावल खाने का मन नहीं है, हमने कल ही रात को चावल खाए थे। उसके साथ मेरी शक्ल नहीं दिख लग रही? गया है, चॉय के चावल बन गए हैं, इधर चाय बन रही है, और मैं ये दिखा देता हूँ, अभी सब्जी इन प्रोसेस है, बिकॉज मैं धीमी आंच में बना रहा हूँ। सो धीमी आंच की सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है, सर्दियाँ हैं तो हम ये आराम बेयर हैंड से भी अनेबल टू होल्ड इट। सो ये देखिए धीरे धीरे जब ये पक जाएगी अच्छे से तो बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया लगेगा, बट अभी इसको पकने देना है हमें, और कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि ये सब्जी बढ़िया बन जाए। ये मैंने किया, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, इतने हमारी चाय बन जाएगी। फिर देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग परांठास। सो अब प्रियांक रोटियां बना रहा है, जो कि ये बहुत फुर्ती से कर लेता है, लेकिन मैं हर काम बहुत जल्दी कर लेता हूँ, आज इसे लेकिन अपने औजार मिल नहीं रहे हैं। नाश्ते में 2 2 पराठे और लंच में 3 3 3 के बाद कुर्सी दे दूंगा, हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या विवेक तो थोड़ा सा दे देते हैं ताकि हम कर ये सब है। फिर से देखो, हाँ इतनी ठंड है कि जम जाता है देखिए।
चटनी, दाल, और कैसा लग रहा है तुम्हें? और ये बैठा रहता है, इसको कितना भी खिला लो, चोर। तो गाइस हम खाना खाने के बाद आपसे बात करेंगे। भाई फैनू भी नहा धोके तैयार हो गया है, ये ऑफिस जा रहा है और मैं करने वाला हूँ अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट। तो हम कहेंगे बाय। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये आदमी आज भी अपना लंच भूल के जाएगा। ओ शिट, तो जो कि मुझे याद दिलाना पड़ेगा। तो जल्दी से ये लंच पैक कर रहा है एंड देन फिर ही विल गो विद माय डे। मैंने अपने ऑफिस का काम स्टार्ट कर दिया है एंड देन अब मैं पूरा दिन बैठ के ऑफिस का काम करूंगा। आई एम नॉट वर्किंग ऑन द स्टडी टेबल क्योंकि बहुत ठंड है यार, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरे पैर ठंडे हुए पड़े हैं, हाथ भी ऐसे ठंडे ठंडे हुए पड़े हैं। सो आई विल बी वर्किंग फॉर सम टाइम यहाँ बैठ के कंबल के अंदर। उसके बाद आई विल शिफ्ट, जब थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा देन आई विल शिफ्ट टू माई स्टडी टेबल। बट नाउ माई मेन टारगेट इज कि फटाफट अपना ऑफिस काम कम्प्लीट कर लूँ। सो मेरा दिन का आई विच इज़ लाइक टू शेयर वन थिंग, मेरा दिन का ये रहता है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई शुड फील दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच वी कैन डू विद अस राइट। ना अपना बेस्ट दिया है वो मुझे मैटर करता है, बिकॉज रात को सोने से पहले मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने मेहनत करी थी। सो यही मेरी सोच है, इसी सोच के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबकी सुबह भी बहुत अच्छी जाए और आप सबकी सुबह भी एक प्रोसेस, एक तरीके से शुरू हो। सो वैसा ही मेरा भी रहता है कि मेरी सुबह भी अच्छी हो ताकि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। और मैं एक चीज़ और करता हूँ कि मैं ना अपना ऐसे कि इतने बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, इतने बजे तक मुझे काम कंप्लीट करना है, ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। तो यही है, कनेक्ट करते हैं, पूरा दिन साथ में ही है, बात करते रहेंगे। बाय।